Hey foodies, welcome back to my channel Food Magic by Komal. Today we are going to make yummiest cupcakes. और cupcakes तो सबके बहुत फेवरेट होते हैं, और ये cupcakes जो हम बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर हम icing भी chocolate whipped cream की करेंगे, chocolate frosting है, तो इससे इसका flavor और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो चलिए start करते हैं ये rich cupcake की recipe. कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं केक स्पंज बना लेती हूँ. उसके लिए मैं केक स्पंज की प्रिपरेशन कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने 100 ml मिल्क लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच विनेगर. विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके साइड रख देंगे. अब यहाँ पर एक बाउल में मैं पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को स्ट्रेन कर लूँगी. ये स्ट्रेनर पर रख के मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा लिया है, 200 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर. उसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके साथ 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा. इन सबको छान लेना है अच्छे से. आपको ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा. अगर आपको इसी फ्लेवर का केक चाहिए तो एक एक चीज़ आपको फॉलो करनी होगी, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा. ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं स्ट्रेन. अब मैं यहाँ पर बाउल में ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ ऑयल. टोटल 50 ml ऑयल है यहाँ पर. इस ऑयल में डालेंगे फ्लेवर के लिए 2 चम्मच बटर. इसे मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था, ज़्यादा मेल्ट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बस वो फ्रिज में रखा हुआ था तो इसे मेल्ट कर लिया है. 2 चम्मच बटर है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा आपके केक में. उसके साथ 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर शुगर, 1/4 कप पाउडर शुगर लिया है. इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको विस्क की हेल्प से मिक्स कर लेना है. और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड मैंने घर पर बनाया है, तो इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी. आप इजीली घर पर मिल्क मेड बना सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिया है 100 ml ऑफ मिल्क मेड. और मिल्क मेड का फ्लेवर जो केक में बहुत ही रिच आता है, तो इसलिए मैं इसे घर पर बनाती ही रहती हूँ. मिल्क मेड मिक्स कर लेना. अब उसके बाद ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने स्ट्रेन करके रखे थे वो थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और साथ ही में डालते जाना है वो जो विनेगर वाला मिल्क हमने बना रखा है साइड में वो, क्योंकि बैटर थिक होता जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ. तो थोड़ा थोड़ा ये मिक्स करते जाना है और थोड़े थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते जाने हैं, और हमें हमारा बैटर रेडी करना है केक का. ये लास्ट पोर्शन बचा है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, ये भी मैं डाल देती हूँ. और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि मैं चॉकलेट फ्लेवर के कपकेक्स बना रही हूँ. अगर आपको वनीला फ्लेवर की चाहिए तो आप बस इसमें वनीला एसेंस डाल दीजिएगा. मैं चॉकलेट फ्लेवर के बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है. इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ. 8 to 10 drops आपको चॉकलेट एसेंस की लेनी है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. अगर बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप वो थोड़ा सा दूध इसमें और डाल सकते हैं. ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है. यहाँ पर मैंने कप्स लिए हैं बेकिंग के लिए, इन्हें पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं. उसके बाद इसमें केक का बैटर डालेंगे. बैटर जो है आपको हाफ ये फील करना है, हाफ या 3/4, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपकेक्स बहुत स्पॉन्जी बनने वाले हैं तो इसका केक का बैटर बाहर आ सकता है कन्वेक्शन में बेकिंग के टाइम पे. तो इसे हाफ ही फील कीजिएगा. और इसके टेस्ट की गारंटी मेरी है. अब एक बार आप ये रेसिपी पूरी ट्राई कीजिए, उसके बाद ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाद ही इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यमी कपकेक्स बनते हैं. बट प्रोसेस आपको सेम फॉलो करनी है. काफ़ी फ्रेंड्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमारा केक फूलता नहीं है या ठंडा होने के बाद फिर से उसका स्पंज बैठ जाता है, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपका केक बहुत स्पंजी बनेगा. ये इस तरीके से टैप करके मैं इसे कन्वेक्शन ट्रे पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और कन्वेक्शन प्री हीटेड कन्वेक्शन में मैं 180 डिग्री पे बैक करूँगी इसे 20 मिनट्स के लिए. आप चाहें तो इसी बैटर से आप केक बना सकते हैं, कढ़ाई में बैक कर सकते हैं इसे या बाटी के ओवन में. ये मैं बैक कर लेती हूँ 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे. ये देखिए ठंडा होने के बाद भी हमारे कपकेक्स कितने स्पॉन्जी दिख रहे हैं. इनका स्पॉन्ज बिल्कुल भी बैठा नहीं है,
ये उतने ही स्पॉन्जी हैं ठंडे होने के बाद भी। तो यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपको सेम कपकेक्स मिलेंगे। अब हम इन पर आइसिंग कर लेते हैं। आइसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ। ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और पहले यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से व्हिप्ड क्रीम आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना कट कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए और बाकी का फॉइल पेपर ढक कर फिर से आप उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। ये मुझे इतना पोर्शन में मेरी हो जाएगी आइसिंग। उसके बाद मैं इसे रूम टेम्परेचर पर आने देती हूँ। पहले थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आइसिंग करेंगे। ये मेल्ट हो चुका है, इसे हमें पहले मेज़र कर लेना है कि ये कितना ml है हमारा व्हिप्ड क्रीम। तो हम पहले इसे मेज़र कर लेते हैं। ये व्हिप्ड क्रीम हमारा टोटल 150 ml है। तो चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए आपको पहले मेज़र करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 150 ml ले रही हूँ व्हिप्ड क्रीम। तो इसमें 75 grams ऑफ डार्क चॉकलेट लेना है। व्हिप्ड क्रीम का जस्ट हाफ आपको डार्क चॉकलेट लेना है। तो ये डार्क चॉकलेट लिया है मैंने 75 grams, और इसे मैं मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में। आप चाहें तो गैस पर भी इजीली आप इसे किसी पैन में डालकर मेल्ट कर सकते हैं, चॉकलेट को मिक्स कर सकते हैं, चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मैं 30 सेकंड्स के लिए और माइक्रोवेव करूँगी इसे, क्योंकि 30 सेकंड्स में तो ये चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ। कि 30 सेकंड्स के बाद हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम को। अब इसे ठंडा करने के लिए हम थोड़ी देर रख देते हैं। ये हमारा क्रीम और चॉकलेट ठंडा हो चुका है। आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए। अब हम इसे व्हिप्ड कर लेंगे। इससे इस तरीके से विस्क की हेल्प से व्हिप्ड कर लेना है हमें। और ये देखिए हमारा क्रीम व्हिप्ड हो चुका है, थोड़ा थिक भी हो चुका है, इसका कलर भी लाइट हो चुका है। क्रीम और चॉकलेट मिक्स होकर लाइट ब्राउन कलर हो गया है। और ये अब हम इसे पाइपिंग बैग में भरकर इसकी अच्छी सी आइसिंग कर लेते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की आइसिंग कर सकते हैं और अपने कपकेक्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत से लोगों को क्रीम पसंद नहीं होता है, तो आप ये चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट फ्रोस्टिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कपकेक्स में बहुत ही रिच फ्लेवर देते हैं। तो इस क्रीम को आप यूज़ करके देखिएगा, अपने केक और कपकेक्स में बहुत ही यम्मी लगेंगे। हम स्प्रिंकल कर देंगे कुछ स्प्रिंकल्स और ये चॉकलेट स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लेते हैं। ये रेडी है हमारे ब्यूटीफुल से दिखने वाले कपकेक्स। जितने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं उतने ही खाने में यम्मी हैं, बहुत चॉकलेटी से कपकेक्स। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।